मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं मैं स्वागत करता हूं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में औसत में अभी हमने पिछले पार्ट्स में बात की संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की, जिनमें संख्याओं का औसत निकालना होता है। अभी संख्याओं पर आधारित जो मुख्य मुख्य पार्ट थे वो कवर अप हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे आयु पर आधारित प्रश्नों की, भार पर आधारित प्रश्नों की। आयु और भार में सवाल बनता कैसा है? सवाल ये कहता है कि यदि 20 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो गई। मतलब क्या हुआ? जब किसी समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल होता है तो वह समूह के जैसा हो जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर 20 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष थी तो जो व्यक्ति शामिल हुआ उसकी औसत आयु भी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लेकिन एक एक साल बढ़ गई तो एक एक साल कितने लोगों की बढ़ी? पहले 20 थे, अब 21 हो गए। मतलब एक एक साल सभी की एक एक साल बढ़ी है। मतलब कितने साल बढ़ गई? 21 साल। 30 साल उसका खुद का, 21 साल जो बढ़ गया, मतलब आने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 51 साल। ठीक है, ऐसे ही अगर सवाल में ऐसा बोला जाता कि 40 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत आयु में एक वर्ष की कमी हो गई, एक वर्ष की कमी हो गई। अब यहां पर क्या है? जो व्यक्ति शामिल हुआ उसकी औसत आयु भी कितनी होनी चाहिए थी? ग्रुप के जैसे, मतलब 50 वर्ष। अब एक आदमी शामिल हुआ है और उसकी वजह से सभी की औसत आयु एक एक साल घटी है, तो आदमी कितने हैं टोटल? 41। मतलब कमी कितने की हुई? 41 की। मतलब 50 ऋण 41 बराबर कितना? 9 साल। मतलब जो शामिल हुआ व्यक्ति है वो कितने साल का है? 9 साल का। या इसी सवाल को अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखना चाहें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी अप्लाई होगा जब एक व्यक्ति आएगा या एक व्यक्ति जाएगा। तो यहां पर जो औसत होगी वो औसत बराबर हो जाएगा औसत प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी, जो भी हो। आइए देख लेते हैं इसी तरह का एक सवाल। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है एक कक्षा में 34 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु कितने वर्ष हो जाती है? 15 वर्ष। मतलब वृद्धि कितने की हो रही है? एक। कितने लोग थे टोटल? 34। औसत आयु कितनी थी? 14। शिक्षक भी शामिल होगा, उसे हम कितने का मान के चलेंगे? 14 का। तो अगर मैं डायरेक्ट सवाल की बात करूं तो औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना है? 14 प्लस वृद्धि की संख्या कितनी हो गई है? 35। वृद्धि हुई है एक की, मतलब 14 धन 35, मतलब 5 4 9 3 1 4, उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 49 वर्ष। या इसी सवाल को यदि मैं डिटेल में लगाना चाहूं कि 34 छात्रों का औसत कितना है? 14 वर्ष। मतलब या तो फिर अगर मैं ऐसे लगाना चाहूं कि 34 छात्रों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 34 गुणे 14 14 चौके 56 14 3 42 और 5 37। अब 34 छात्र और प्लस एक अध्यापक, इनका जो योग है, अब आदमी कितने हो रहे हैं? 35। औसत कितना हो गया है? 15। तो 15 पना 75, 15 3 45 और 7 52। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो ये 34 छात्र क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसमें से इसको घटा दो तो 525 माइनस 476 बराबर कितना हो जाएगा? 15 में से 6 चला गया 9, और 42 में से 48 चला गया, 52 में से 48 चला गया 6। कितने साल हो जाएगी? 49 वर्ष। डायरेक्ट लगाना है तो ये है, बेसिक लगाना है तो ये। लेकिन मूल चीज जो समझने की है वो ये है, समूह में कोई व्यक्ति आए या समूह से कोई व्यक्ति जाए उसकी औसत आयु सदैव वही ली जाती है जो समूह की आयु है। वो जो लेके आता है या जो लेके जाता है वो उसका खुद का होता है। अगले सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सवाल हमसे कह रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, 10 नए छात्रों के शामिल हो जाने से औसत आयु में आधा वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें 10 छात्र शामिल होने, केवल एक छात्र की बात नहीं है, और बाद में छात्रों का क्या पूछा गया है?
औसत आयु। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, योग, फिर आप उसमें संख्या का भाग देंगे, संख्या मतलब 10 का भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत। अगर मैं योग की बात करूं, सवाल आपको बोल कह रहा है, सवाल आपको यह कह रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सीधी सी बात है जब 10 लोग शामिल हो रहे हैं तो उनको भी कैसे होना चाहिए, 16 साल का ही होना चाहिए। तो योग कितना हो जाएगा, 10 × 16, लेकिन उनके आने से हो क्या रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, आधे आधे की। और कितने लोगों में, 30 तो पहले से, 10 और आ गए मतलब 40 की। तो ये कितना, 1/2 × 40 मतलब ये कितना हो गया, 20। तो ये 160 × 20 = 180। तो जो औसत हो जाएगा, 180/10 मतलब कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ये आपका सवाल है डायरेक्ट लगाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या बोल रहा है, सवाल आपको यह कह रहा है कि 30 का औसत 16 वर्ष, तो 30 का योग कितना हो जाएगा, 30 का योग बराबर 30 × 16 मतलब कितना, 480। अब ये 30 पुराने हैं प्लस 10 नए का जो योग है वो कितना है, अब आदमी हो गए हैं 40। अब इसमें औसत आयु में आधे की वृद्धि हो गई है मतलब 16.5, ये और ये कैंसिल, तो 165 × 330 = 66, ये कितना हो गया, 660। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कैंसिल मतलब 10 नए का योग जो है, इसमें से इसको घटा दिए, 16 में 8 गया 8, 6 में 5 गया 180। तो औसत कितना हो जाएगा, 180/10 बराबर क्या हो जाएगा, 18। ये आपका तरीका है वैसा जैसे अभी तक आप लोग लगाते थे, और ये तरीका है आपका सीधे सीधे, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन यह बात जरूर समझने की है कि जब कभी भी ज्यादा लोग या ज्यादा लोग आते हैं या ज्यादा लोग जाते हैं और उनके औसत आयु की बात की जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उनका योग, और फिर योग में जब संख्या का भाग देंगे तब हमें क्या मिलेगा, औसत। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल आपसे यह कह रहा है एक जहाज पर 45 यात्रियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, मतलब समूह का जो औसत है वो कितना है, 50। 5 नए यात्रियों के शामिल होने से, अब अगर 5 नए यात्री शामिल हुए तो वो भी 50-50 के ही होंगे। अब उनके शामिल होने से हुआ क्या है, आधा किलोग्राम की कमी हो गई। अब आधा किलोग्राम की कमी कितने लोगों में होगी, पहले कितने लोग थे, 45, बाद में 5 और बढ़ गए मतलब कितने हो गए, 50। तो 50 में आधा आधा की कमी हो गई, मतलब कमी कितने की हुई है, 25 किलो की। और चूंकि 5 लोग शामिल हुए थे, औसत कितना था, 50-50, तो 50 × 5 = 250, और 250 में 25 घटा दिया मतलब 225 उनका योग है। तो जब उनका औसत पूछेगा तो 5 × 20 = 25 मतलब औसत कितना है, 45 वर्ष। सवाल को सीधे सीधे भी किया जा सकता है, आप चाहो तो कलम भी मत चलाओ। सवाल आपसे कह क्या रहा है, आइए देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो का, 45 का औसत भार। तो ये अब इसमें 5 शामिल हो रहे हैं, औसत पूछा है, तो 5 का जो योग होगा, औसत कितना था, 50, संख्या कितनी है, 5, आने के बाद कितने की कमी हुई, आधा की, कितने लोगों में, 50 लोगों में। तो ये कितना, 25 मतलब 250 − 25 = 225। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर 225/5, 5 × 20 = 25 मतलब 45 किलो। मामला चूंकि यहां पर किलो का दिया हुआ है, भार की बात की जा रही है, इसलिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं, केजी। बेसिक से कैसे लगाना है वो आप लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। बात करते हैं आज के वीडियो के चौथे सवाल, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है एक संगठन के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपए, मैनेजर के वेतन को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में 100 रुपए की वृद्धि है हो जाती है। मैनेजर का वेतन क्या करें, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें लग जाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो औसत कितना था, औसत था कितना हमारा, 15,000 रुपया। संख्या कितनी है, संख्या हो गई 30, 20 कल पहले थे, मैनेजर आ गया तो कितनी हो गई, 21, और वृद्धि कितने की हुई है, 100 रुपए की, मतलब 15,000 + 2100 मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 17,100 रुपए। जो मैनेजर का वेतन है वो कितना है, 17,100 रुपए।
आइए बात करते हैं पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमसे कह रहा है एक व्यक्ति की 7 संतानें थी जिनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। अब मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आज 10 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, अभी वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु कितनी रही होगी? 15 वर्ष। सभी की उम्र में 5-5 साल घटा, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। सभी में 5-5 वर्ष जुड़ा। संख्याओं में हमने ये बात की थी कि जब सभी में कुछ ना कुछ जुड़े, घटे, गुणा या भाग हो तो वही चीज औसत के साथ होती है। आइए देखते हैं आपका सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है एक व्यक्ति की 7 संतानें थी जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष की थी, एक बच्चे की 6 वर्ष की आयु में मौत हो गई। तो जिस टाइम पर उस बच्चे की मौत हुई उस टाइम पर 7 संतानों का योग कितना है? 7 संतानों का योग कितना हो जाएगा? 7 × 12 मतलब कितना हो गया? 84 वर्ष। अब एक बच्चा कितने साल का था? 6 साल का। उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो मौत हो गई तो जो बचे हुए बच्चे हैं मतलब 6 संतानों का योग कितना? अब एक तो चला गया तो 84 और कितने साल में गया? 6 में, तो ये कितना हो गया? 78। तो इसका जो औसत है ये कितना हो जाएगा? 78/6 मतलब कितना? 13 वर्ष। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद बच्चों की औसत आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद जब सभी का औसत वर्तमान में उस घटना के समय 13 वर्ष था तो 5 वर्ष बाद सभी की आयु में 5-5 वर्ष जुड़ गया होगा तो औसत में भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जो औसत है तो 5 वर्ष बाद औसत बराबर हो जाएगा 13 × 5 मतलब कितना? 18 वर्ष। हमारे सवाल का जवाब कितना है? 18 वर्ष। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे यह कह रहा है एक स्कूल में 20 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 5 छोड़ देते हैं उनकी जगह पर 4 आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब स्कूल छोड़ने या कुछ लोगों के ग्रुप में जाने की बात होती है जितना गया हमें उतना वापस चाहिए। कुछ ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले कम मिले तो भी अच्छा है, लेकिन हमारी कोशिश करें कि जो हमारा गया है वो हमें वापस चाहिए। सवाल आपसे कह रहा है कि एक स्कूल में 20 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 5 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, 4 छात्र चले आते हैं तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। स्कूल में आने वाले नए छात्रों का कुल वजन क्या होगा यदि छोड़ने वाले 5 छात्रों का कुल वजन 180 किलोग्राम है? यहां ध्यान रखिएगा, अगर जाने वालों का वजन नहीं दिया गया होता तो आप सवाल को नहीं लगा सकते, क्योंकि जाने वालों का वजन आपको कितना दिया गया है? 180 किलोग्राम। तो जब 180 हमारा गया तो हमें 180 चाहिए। अब गए कितने हैं? 5 टोटल थे, कितने? 20। 5 गए, बचे कितने? 15। 4 और आ गए तो हो कितने गए? 19। कितने साल की वृद्धि हुई है? 2-2 साल की। 180 हमारा गया था लेकिन एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा कितना आया? 2-2 साल। कितने लोगों के लिए आया? 19 लोगों के लिए, मतलब वृद्धि कितने की हुई है? 19×2=38 की। तो 180 और 38 कितना हो गया? 218। और ये किसका वजन है? ये कौन लेके आया है? ये लेके आया है 4 लोग। तो इन चारों का औसत कितना हो जाएगा? 4×5=20, 4×4=16, 4×5=20, 44.5 वर्ष। ये इस सवाल का आंसर। करेंगे कैसे आइए देखते हैं। 5 जाने वालों का वजन कितना हो गया? 180 केजी। ठीक है, तो 4 आने वालों का कुल भार गया कितना है हमारा? 180। आने की वजह से बढ़ा कितना है? 2। और कितने लोगों का बढ़ा है भाई? 19 लोगों का, मतलब ये कितना हो गया? 218। तो औसत कितना हो जाएगा? 218/4, 4×5=20, 4×4=16, 44.5 नहीं, कितने किलोग्राम है आने वालों का वजन? 54.5 किलोग्राम। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जब संख्या में ज्यादा लोग आएंगे तो हमें सबसे पहले योग निकालना है, इसके बाद ही हम औसत निकाल सकते हैं। बात करते हैं सातवें सवाल की जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल देखते हैं हमसे क्या कह रहा है।
सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक समिति के 11 सदस्यों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती जब 3 पुरुष के स्थान पर 3 महिलाएं शामिल, मतलब संख्या में कोई चेंज नहीं है, 3 लोग गए हैं 3 ही लोग आए हैं, लेकिन अब आने वालों का यदि हम एक तीनों महिलाओं की औसत आयु निकालनी, औसत निकालनी है मतलब हमें पहले योग निकालना है, योग अगर निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा गया कितना है, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, 3 जाने वालों का जो योग है ये कितना है, 32, 33 और 34, 4 3 7 2 9 और 3 3 9, कितने वर्ष गया है हमारा, 99। अब 3 महिलाएं जो आने वाली हैं तो 3 आने वालों का जो योग है ये कितना हो जाएगा, 99 तो हमारा गया, तो ये तो हमें वापस चाहिए चाहिए, आने की वजह से हुआ क्या है, 3 वर्ष की वृद्धि हो गई है, 3 वर्ष की वृद्धि हो गई है 11 लोगों में, मतलब 99 धन 33 मतलब ये कितना हो गया, 132, योग 132 है तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर 132/3, 3 चौके 12 मतलब आने वाली महिलाओं का जो औसत है वो कितना है, 44 वर्ष। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सवाल हमसे कह क्या रहा है आइए देखते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि 4 दोस्तों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पूर्व थी, आज अगर x है तो 3 वर्ष पूर्व कितने साल रही होगी, x-3, क्योंकि एक दोस्त की जगह एक नया दोस्त आ गया है, अगर x-3 उस समय रही होगी तो योग कितना रहा होगा, 4x-12, और अभी भी 4 लोगों की औसत आयु कितनी है जो 3 वर्ष पूर्व थी, अब इनकी हो कितनी जानी चाहिए, x, तो x हो जानी चाहिए, मतलब अब कितनी है, 4x, तो नए दोस्त और पुराने दोस्त की आयु से कितनी कम है, सीधा सीधा 12 वर्ष, कैसे आइए देखते हैं। 8वां सवाल, माना वर्तमान औसत x है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 4x-3, तो योग कितना, 4x-3 मतलब 4x-12। अब आपसे क्या कह रहा है, एक दोस्त 3 वर्ष पूर्व थी लेकिन अभी भी जो उनका योग है वो होना कितना चाहिए, वर्तमान योग होना कितना चाहिए, 4x मतलब कितना होना चाहिए, 4x, लेकिन अभी भी वो कितना है, 4x-12, मतलब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर, तो 4x-4x-12, तो अगर करेंगे तो 4x-4x+12 ये और ये कैंसिल, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। दोस्तों आज हमने आयु और भार में औसत से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात की, आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी साबित होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, कोई कमी नजर आ रही है या किसी सुधार की जरूरत आपको समझ में आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।